एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसे आप सबको पता है कि हम 90 डेज की इंग्लिश स्पोकन सीरीज लेके आ रखे हैं और आज हमारा डे 11 है। देखो, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट टू। अबाउट का मतलब तो सबको पता ही होगा, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम अबाउट को यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट यू। बट जब अबाउट के साथ टू लगता है तो इसका मतलब जो भी काम होने वाला है, देखो जो भी काम हम करने वाले हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम अबाउट। और जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के ठीक बाद क्या आएगा, हमारा इज एमआर, फिर अबाउट टू, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने बोला मैं अपने दोस्तों से मिलने वाला हूं, तो क्या जाएगा, आई एम अबाउट टू मीट माय फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं अपने दोस्तों से मिलने वाला हूं। शी इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाने वाली है। दे आर अबाउट टू थ्रो द पार्टी, वो पार्टी देने वाले हैं। तो देखो जो भी काम हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसके लिए यूज करते हैं हम अबाउट टू, और अबाउट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करेंगे। नाउ ये तो था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, उसके बाद नॉट, फिर अबाउट टू, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। देखो अबाउट टू का मतलब क्या होता है, जो भी काम हम करने वाले हैं, वाला वाले हैं या वाली है, जब भी ऐसा आता है हिंदी में लास्ट में तो समझ लेना वहां पे आपको अबाउट टू को यूज करना है। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जैसे शी इज नॉट अबाउट टू क्रैक द IELTS। IELTS एक एग्जाम होता है जो फॉरेन के लिए आपको नीड होती है, मतलब आपको फॉरेन में स्टडीज के लिए या आपको जॉब के लिए जाना है तो एग्जाम आपको पास आउट करना पड़ता है। मतलब पास आउट क्या होता है, यहाँ पे बैंड सिस्टम होते हैं, बैंड आपको लेके आने पड़ते हैं। तो शी इज नॉट अबाउट टू क्रैक द IELTS, मतलब वो IELTS नहीं निकालने वाली है। या ही इज नॉट अबाउट टू क्लियर, या ही इज नॉट अबाउट टू क्रैक द IELTS, मतलब वो IELTS नहीं निकालने वाला है। यू आर नॉट अबाउट टू गो अब्रॉड, मतलब तुम विदेश नहीं जाने वाले हो। तो देखो ठीक इज एम आर के बाद हमारा नॉट आ जाएगा। दे आर नॉट अबाउट टू इन्वाइट यू, मतलब वो तुम्हें बुलाने वाले नहीं है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। जब हम क्वेश्चन किसी को पूछेंगे तो इज एम आर पहले आ जाएगा और आर यू को शॉर्ट फॉर्म में आर यू बोल सकते हैं। अब मैंने बोला आर यू अबाउट टू, देखो सबसे पहले आर यू आएगा, फिर हमारा अबाउट टू, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आर यू अबाउट टू डांस, क्या तुम नाचने वाले हो। मैंने बोला क्या तुम डांस करने वाले हो, तो आप क्या बोलेंगे, आर यू अबाउट टू डांस। अच्छा, इज शी अबाउट टू टेक लीव, क्या वह छुट्टी लेने वाली है, तो हम क्या बोलेंगे, इज शी अबाउट टू टेक लीव। ऑलराइट, नाउ आर दे अबाउट टू वाटर द प्लांट्स, क्या वो पौधों को पानी देने वाले, तो आप क्या बोलेंगे, आर दे अबाउट टू वाटर द प्लांट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब चलते हैं, देखो यहाँ पे आपके लिए एक्सरसाइज है, ये आपको करना है, और जो भी सेंटेंस नहीं आएगा आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ये कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब देखो पास्ट में क्या हो जाता है, इज एम आर का वर्स वर, और जो भी काम मैं करने वाला था तो आप बोल सकते हैं आई वॉज अबाउट टू डू। अबाउट टू के बाद हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ देखो इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, यहाँ पे इज एम आर का वर्स वर हो जाएगा। द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी। राधा वॉज अबाउट टू डांस ऑन द स्टेज, राधा स्टेज पे डांस करने वाली थी। सूर्य एंड रवि वर अबाउट टू गो टू स्कूल, सूर्य और रवि कहाँ जाने वाले थे, स्कूल जाने वाले थे। तो पास्ट में इसका क्या हो जाता है, वर्स वर, और वर्स वर के साथ हम अबाउट टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आज हमने क्या पढ़ा इस क्लास में, अबाउट टू पढ़ा है। देखो अबाउट टू मतलब तो कोई भी काम जो होने वाला है, जब भी आप हिंदी में वाला है वाली है यूज करेंगे तो वहां पे आप अबाउट टू यूज कर सकते हो। जैसे आई एम अबाउट टू गो अब्रॉड, यू आर अबाउट टू गो अब्रॉड, एम का पास्ट वाज हो जाएगा, आई वाज अबाउट टू गो अब्रॉड, यू के साथ लगा रहे तो यू के साथ वर लगा सकते हैं, यू आर अबाउट टू गो अब्रॉड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।